एक्शन। मैडम ट्रू कॉलर पर पूरा नाम नहीं है, सिर्फ एसपी लिखा है। मैम यही तो कहा था मैंने। ऐसे किसी को जानते हो जिसका निकनेम या फिर इनिशियल्स एसपी हो? नो मैम, आई एम श्योर मैं ना तो किसी एसपी को जानता हूँ ना ही किसी सूफी को। पता नहीं ये कौन है जो मुझे बेकार में मारने की धमकी दे रहा है। तुम्हारे ऑफिस में नहीं बल्कि तुम्हारे कॉलेज में कोई सोफिया नाम की लड़की थी? नो मैम, मैं सोफिया नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। देखो तुम जितना डरोगे वो तुम्हें उतना डराएगा, और ऐसे कॉल्स को सीरियसली नहीं लेना चाहती। मैम कैसे सीरियसली ना लूं? ये जो भी आदमी है वो मुझे मारने के लिए बहुत सीरियस है। मेरे घर का एड्रेस, मेरे ऑफिस का टाइम सब पता है उसे। फेटअप होकर मैंने एक नंबर ब्लॉक किया तो दूसरे नंबर से कॉल करता है, और आज जब मैं ऑफिस जा रहा था तो उसने मुझे वार्न किया कि वो मेरे लैंडलॉर्ड को मेरे सारे सीक्रेट्स बता देगा और मुझे बदनाम करेगा। सीक्रेट्स? तो तुम्हारा ऐसा कोई सीक्रेट है जिससे वो तुम्हें बदनाम कर सके? अब सीक्रेट तो नहीं है मैम ऐसा, बट ये आदमी साइको लगता है। अगर अपने मर्जी से कुछ भी बोल दे तो मैं किस किस को समझाऊंगा? और ये तो कुछ भी कर सकता है मैम, मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है इसने। तुम्हारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने खुद एफपी पेज पे सब पब्लिक करके रखा है, अपना नंबर, ऑफिस का नाम, एवरीथिंग। हाँ तो? तो मतलब वो तुम्हें टारगेट कर रहा है, कोई गलत आदमी को नहीं, और वो सोफिया नाम की लड़की से नाम से तुम्हें डरा रहा है, और तुम कह रहे हो कि सोफिया को नहीं जानते। मैम आपने देखा ना मेरे एफपी पेज, मिली कोई सोफिया? प्रूव होता है ना मैम कि सोफिया सोशल मीडिया पर नहीं है, मतलब she doesn't exist, I mean in my life। तो तुम्हें तो ये बात एसपी को बोलनी चाहिए थी ना? वो सुनता ही तो नहीं है मैम, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। लास्ट कॉल में उस आदमी ने मुझे वार्न किया था कि अगर मैंने सोफिया से आज ब्रेकअप नहीं किया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब आप बताओ, सोफिया जब है ही नहीं तो मैं ब्रेकअप किससे करूँ? मैम प्लीज हेल्प मी। ठीक है, हम वो दो कॉल ट्रेस कर रहे हैं, जिसका भी होगा पता चल जाएगा बहुत जल्दी। कब तक पता चलेगा मैम? फोन कंपनी से डिटेल्स आने में 2 दिन तो लगेंगे। मैम उसने बोला था कि वो मुझे आज ही। मैम डरो मत, जिसका भी है बहुत जल्द से जल्द पता कर लेंगे। दिस इज नॉट फेयर मैम, मेरे मरने के बाद अगर आप पता लगा भी लेते हो तो क्या फायदा?